नमस्कार दोस्तों, मई 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया था और पूरे दुनिया को चौंकाया था। बोला था कि अगर चाइना अपना रवैया नहीं बदलता है, जिस प्रकार से आज अपने पड़ोसियों को धमकाता है, जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में बार बार हल्ला बोल करता है, छोटे मोटे देश को धमकाता रहता है, इतना ही नहीं कोरोना वायरस को लेकर हमेशा दूसरे देश पर इल्ज़ाम लगाता है, अगर चाइना अपने खासतौर पर इस बिहेवियर से बाजने आया तो चाइना से हम सारे रिश्ते ख़त्म कर लेंगे, चाइना से हम सब कुछ तोड़ लेंगे, सारे संबंध तोड़ लेंगे और चाइना को हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों, उस समय पूरे दुनिया ट्रंप पे हंसा था, सब बोला कि ट्रंप पर बोला है कुछ ही बोल देता है, ट्रंप को जो मन में आता है वो बोल देता है, अपने मन से बोला है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने अब साबित कर दिया कि चाइना से सारा रिश्ता ख़त्म कर देंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में दोस्तों आप देखेंगे अमेरिका और चीन के बीच में महायुद्ध होगा। दोस्तों, ये अधिक दिन की बात नहीं है, केवल 4-5 महीने रुक जाइए, नवंबर से पहले आप देखेंगे चाइना और अमेरिका के बीच में महायुद्ध हो सकता है, जिस युद्ध में चाइना को बुरी तरह से पीटा जाएगा। दोस्तों, उसी पे अब प्लानिंग चल रहा है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, पूरे दुनिया को बता दिया है कि अब चाइना को छोड़ने वाला है नहीं। और दोस्तों, चाइना पे बहुत बड़ा एक्शन अब ले लिया है, पहली बार दोस्तों इतिहास में ऐसा हुआ है, चाइना को पूरे दुनिया के सामने में बेइज्जती कर दिया है, चाइना पे एक्शन लिया गया है और आने वाले समय में वार का दोस्तों लड़ाई का सीधा संकेत दे दिया है। केवल दोस्तों 4 महीने में देखेंगे आप महायुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं नवंबर 2020 में अमेरिका में बहुत बड़ा चुनाव है, राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव है और दोस्तों उस चुनाव में ट्रंप किसी भी हालत में जीतना चाहता है। और दोस्तों, ट्रंप के पास अब कोई मौका नहीं है। आप जानते हैं अमेरिका का अर्थव्यवस्था आज किस तरह से बर्बाद हो चुका है, जब से कोरोना वायरस आया है अमेरिका का जीडीपी दोस्तों माइनस चला गया है, अमेरिका का जीडीपी ग्रोथिंग रेट पहली बार दोस्तों माइनस में गया है और ट्रंप इसीलिए बौखला गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना वायरस अमेरिका में बेकाबू हुआ है, दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वायरस आज अमेरिका में पाया गया है। इतना ही दोस्तों, ट्रंप के पास आज कोई मुद्दा है ही नहीं, ट्रंप किस मुद्दा पर जीतेगा, ट्रंप क्या भाषण मारेगा, ट्रंप क्या डिबेट करेगा, दोस्तों ट्रंप यही सोच रहा है। ट्रंप को पता है कि अब वो पूरी तरह से हारने वाला है, ट्रंप के पास अब केवल एक ही कार्ड है, चाइना कार्ड। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में जब चुनाव होता है तो पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है और पाकिस्तान में दोस्तों बम गिराया जाता है, जिस प्रकार से नेपाल में चुनाव होता है तो भारत कार्ड खेलता है और भारत के विरोधी दोस्तों बयान देता है, उसी प्रकार दोस्तों खासतौर पे अमेरिका की जनता दोस्तों चीन से नफरत करता है, अमेरिका की जनता चीन से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, चीन के प्रति अमेरिका नागरिक के मन में बेहद ही गुस्सा है। और दोस्तों, ट्रंप चाहता है उसी गुस्से का फायदा उठाए, ट्रंप चाहता है कि अब चीन पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाए और चीन को सबक सिखाया जाए और चीन से वार किया जाए और अपनी जनता को खुश किया जाए। और ट्रंप चाहता है कि अपने जनता को बताए कि देखो भैया, हम ही हैं जो केवल चीन को सबक सिखाए हैं, हम ही हैं जो केवल चीन को पूरे दुनिया से अलग थलग किए हैं, हम ही हैं जो चीन के हुवावे कंपनी को पूरे दुनिया से अलग थलग करवा दिए, हम ही हैं जो भारत को चीन से लड़वा दिए और चीन को पीछे हटवा दिए। ट्रंप खासतौर पे अपने जनता को बोलेगा कि हमें एक बार और चुनो, हमें अगर एक बार और चुनोगे ना तो हम चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, इसी कारण से ट्रंप अब चीन के लिए बड़ा एक्शन लिया है और आने वाले समय में चीन पे दोस्तों और भयानक एक्शन लेने वाला है, आप कह सकते हैं महासंग्राम होने वाला है। तो समझिए आखिरकार कौन सा एक्शन अभी लिया है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका में ह्यूस्टन एक शहर है, ह्यूस्टन शहर में चीन का एक कंसुलेट है। दोस्तों, उस कंसुलेट को अमेरिका ने कहा है कि चीन को हम केवल 72 घंटा देते हैं, 72 घंटा में उस कंसुलेट को बंद करें और अपना जितना भी डिप्लोमेसी है सबको यहाँ से हटाए, सबका बोरिया बिस्तर बांधे, कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, अगर कोई भी आदमी वहाँ पे रहता है तो उसे हम धक्के मार के भगाएंगे, इससे बेहतर होगा कि 72 घंटा में वहाँ से खुद ही निकल जाए। दोस्तों, चीन को पूरे दुनिया के सामने में बेइज्जती किया है और धमकी दिया है, बोला है कि 72 घंटा में अपना कंसुलेट यहाँ से बंद करें, ह्यूस्टन से निकाले। दोस्तों, उसी ह्यूस्टन में एक बार मोदी जी का हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, दोस्तों उसी ह्यूस्टन से चीन को धक्के मार के निकाल रहा है और ट्रंप बता रहा है कि देखो भैया, अब चीन को हम छोड़ने वाले हैं नहीं। और दोस्तों, ट्रंप ने चीन पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि चीन का जितना भी डिप्लोमेसी यहाँ पे होता है, जितना भी आदमी है,
कंसुलेट के थ्रू हमारे देश के बारे में जासूस करता है, खासतौर पे हम जो कोविड-19 का यानी कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं उस वैक्सीन को चीन चुराने वाला है। चीन उस पर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है और हमारे सब कुछ किए किराए पे पानी फेरना चाहता है। और जिस प्रकार से चाइना पूरे दुनिया से टेक्नोलॉजी कॉपी करता है, हमारे देश से टेक्नोलॉजी कॉपी करता है और पूरे दुनिया में बेचता है, उसी प्रकार से कोरोना वायरस का दवा हम बना रहे हैं और हमसे खुफिया जानकारी ले रहा है, जासूसी कर रहा है और पहले बना के पूरे दुनिया में बेच देगा। इसीलिए हम चीन को वार्निंग दिए हैं 72 घंटा में ह्यूस्टन से अपना सारे डिप्लोमेसी ख़त्म करे, कॉन्सुलेट को बंद करे। अब दोस्तों यहाँ पे चीन को घोर बेइज्जती कर दिया है। अब बोले कि चीन ने क्या बयान दिया है, देखिए चीन ने एक ही बात कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका आज जो कर रहा है वो बदला भाव से कर रहा है, अमेरिका आज हमसे खराब रिश्ता करने के लिए तुल चुका है, अमेरिका अब कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों चीन ने कहा है कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है ना, अमेरिका पे बहुत ही भारी पड़ेगा, अमेरिका को हम अभी धमकी देते हैं कि अपना फैसला को पीछे ले, अपना निर्णय पीछे ले, अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो हम भी अमेरिका पे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, बहुत कड़ा एक्शन लेंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। दोस्तों चीन ने कहा कि हम कसम खाते हैं, अब हम कसम खा ले हैं, अगर अमेरिका अपना फैसला पीछे नहीं लेता है तो हम भी अब आर्या पार करेंगे और अमेरिका के हम भी या तो कॉन्सुलेट को बाहर कर देंगे या कोई बड़ा एक्शन लेंगे, अमेरिका को चौंका के रख देंगे। दोस्तों साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका से हमारा वैज्ञानिक अधिक होशियार है, समझदार है, हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, कोरोना वायरस का दवा हमने बना लिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं, अमेरिका से हम कॉपी क्यों करेंगे। दोस्तों चीन ने यहाँ कहा कि अमेरिका हमसे पीछे है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा फैसला लिया है, उसे दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है, खासतौर पे अमेरिका का जो मित्र देश सहयोगी देश है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अब अनाउंस कर दिया है, खासतौर पे अपने देशवासियों को बोल दिया है और अपने मित्र देश को बोल दिया है कि देखो भैया हम तो अब मैदान में उतर चुके हैं, हम अब या कुछ करेंगे या फिर लड़ेंगे या फिर मरेंगे, हम अब पीछे हटने वाला है नहीं, चीन को अब सबक सिखा के छोड़ेंगे क्योंकि बहुत हो गया चीन का दादागिरी, चीन हर जगह कुछ न कुछ करता है, अब हम कुछ न कुछ करेंगे। और दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे, केवल 3-4 महीने के अंदर देखेंगे दोस्तों, नवंबर से पहले अमेरिका दोस्तों चीन पे बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, बहुत बड़ा अटैक खासतौर पे साउथ चाइना सी में कर सकता है। और अमेरिका पूरे दुनिया को बताया कि चीन का दादागिरी हम खत्म किए हैं, चीन का जो विस्तारवादी नीति है उस पर हम आक्रमण किए हैं, धारा बोले हैं और सबक सिखाए हैं। और दोस्तों उस केस में आप देखेंगे नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से सरकार बना लेगा। दोस्तों अमेरिका का जनता चाहता है कि अमेरिका सरकार चीन को सबक सिखाए और अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पे कोई बड़ा एक्शन लेता है तो अमेरिका का जनता उसका पूरा सपोर्ट करेगा और दोस्तों सारे पार्टी का समर्थन करेगा और देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत जाएगा। अब आप बोले कि अमेरिका के इस एक्शन से भारत को क्या फायदा होगा, देखिए दोस्तों भारत को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा, जितना चीन और अमेरिका का रिश्ता खराब होगा, अगर चीन और अमेरिका का संबंध पूरा खराब हो जाए दोस्तों तो समझिए भारत एशिया का एक महाशक्ति बन जाएगा और अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा मजबूरी हो जाएगा कि भारत से मित्रता निभा रहा। और दोस्तों उस केस में भारत जो कहेगा अमेरिका वही करेगा, भारत कहेगा कि आप हमारे जितना भी कंपनियां हैं जो भी सामान है सबको बिंदास खरीदिए और हमारे प्रोडक्ट पे अधिक टैरिफ न लगाए। और दोस्तों अमेरिका भारत के सब बात को मानेगा क्योंकि अमेरिका को डर रहेगा कि अगर भारत हमसे पीछे चला जाए, अगर भारत हमसे हटके रूस का समर्थन कर दे या फिर चीन का समर्थन कर दे तो हम तो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका भारत को खुश करने के लिए सब कुछ करेगा और भारत का महत्व पूरी दुनिया में और बढ़ेगा। और आप देखेंगे अमेरिका भारत के साथ जितना भी हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी है या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी है सब कुछ में भारत का साथ देगा और बोलेगा कि देखो भैया हम ही आपका अच्छा मित्र है, आपका अच्छा मित्र कोई नहीं है, न तो रूस है न कोई है, हम आपका पूरा साथ देते हैं और हम आप मिलके पूरे दुनिया को बदलेंगे, चीन को तोड़ेंगे, पूरे दुनिया को सबक सिखाएंगे। और दोस्तों अमेरिका ये बात ऑलरेडी कई बार बोल चुका है, अमेरिका ने कई बार कहा है कि अगर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका
और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर दोनों अच्छा मित्र बन जाए तो पूरे दुनिया पर राज करेगा और पूरे दुनिया में तालका बचाएगा और चीन को का दिखा सकता है। दोस्तों अमेरिका फिर से यही बात दोहराएगा और बोलेगा कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब आप पूछें कि यहाँ पे रूस क्या करेगा, चाइना क्या करेगा। देखिए दरअसल जानते हैं रशिया चाहता है कि चाइना बर्बाद हो, दोस्तों ये फैक्ट है। रशिया भी चाहता है कि चीन बर्बाद हो। और आप पूछें कि जब रूस चाहता है चीन बर्बाद हो तो रूस चीन का साथ क्यों देता है। देखिए दोस्तों रूस चीन का पीठ थपथपाता है, चीन को युद्ध में लाना चाहता है और जिस दिन चीन युद्ध में आ जाए उस दिन रूस पीछे हट जाएगा, क्योंकि रूस जो टूटा है ना, सोवियत संघ टूटा है ना दोस्तों, उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। तो रूस इसी बात से खुन्नस में है और हमेशा चीन से बदला लेने के लिए सोचता रहता है। और दोस्तों जिस दिन अमेरिका और भारत चीन पे अटैक करेगा तो आप देखेंगे रशिया या तो चुप रहेगा या फिर भारत का साथ देगा, चीन का साथ बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों चीन और रशिया का संबंध बहुत ही खराब था पहले, अभी मजबूरी में चीन और रशिया दोस्त बना हुआ है। कारण क्या है, दोनों देश अमेरिका से सताया हुआ है। अमेरिका आज रशिया पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है और चीन पे भी कई सारे प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसीलिए दोनों देश मिलके पूरे दुनिया में दिखावा करता है और बोलता है कि हम दोनों मित्र हो गए हैं, हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे। जब दोस्तों चीन और अमेरिका का युद्ध होगा तो आप देखेंगे अमेरिका सबसे पहले रशिया से संधि कर लेगा, रशिया से मित्रता कर देगा और रशिया से पूरा प्रतिबंध हटा लेगा और आप देखेंगे रशिया कुछ नहीं बोलेगा। रशिया अमेरिका भारत एक हो जाएगा और चीन पे कड़ा प्रहार करेगा और चीन दोस्तों खंड खंड में तोड़ेगा, तिब्बत को आज़ाद कर देगा,